अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी। मैं गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल इंश्योरेंस का क्या जायज है? आयुष्मान भाव इंश्योरेंस की जितनी भी किस्में हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की तरफ से हो, किसी प्राइवेट कंपनी की तरफ से हो, हमारी शरीयत के अंदर इंश्योरेंस जायज नहीं है। जी, असल में इसकी शुक्रिया। शक्ल सिस्टर, इसकी शक्ल असल में शेख ऐसी है ना कि ये आयुष्मान कार्ड है जो गवर्नमेंट ने बनाया है। आपको पैसा कुछ भरना नहीं है उसमें, जी, सिर्फ आपको अपनी तो फिर आईडी उसको डालना है। इंश्योरेंस क्यों बोलते हाँ, हैं? वो इंश्योरेंस देखिए, नहीं है। हाँ, अगर देखिए, नहीं इंश्योरेंस में आपको किस्तें देनी होती हैं। अगर जी, कोई गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट जो है सेक्टर, कोई आपको ऐसे ही कोई कार्ड दे रहा है, आप बतौर मदद आपको उससे मेडिकल सर्विस मिलती है, तो बिल्कुल जायज है, बिल्कुल जायज है, खास तौर से अगर गवर्नमेंट दे रही है। लेकिन उसको फिर जब आप इंश्योरेंस कह कह के सवाल पूछेंगी तो जवाब इंश्योरेंस का आएगा। जी, अच्छा, शेख जी, बिल्कुल। इसके लिए मैंने थोड़ा आयुष्मान सा वजाहत भाव कर दूं, कार्ड वो वो कौन सा है? वो एलिजिबल बैंक है ना अगर आप उसके मैं लिए। अपने बारे में बताऊं, मुझे इल्म जी नहीं है इसका। आयुष्मान जो आप जी बता रहे हैं, मुझे उसमें क्या टर्म एंड कंडीशन होती है मुझे इल्म नहीं है। लेकिन अच्छा, इंश्योरेंस, मैं जनरल बात कर रहा हूं, इंश्योरेंस हमारी शरीयत में जायज नहीं है। और इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको किस्तें भरनी होती हैं, चाहे वो किस्तें छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो। अगर वो किस्तें आपको भरनी है तो जायज नहीं है। लेकिन आपको फ्री में मिल रहा है तो इंश्योरेंस है ही नहीं, उसको आप कुछ और नाम दीजिए। जी अच्छा, शुक्रिया, जजाकल्लाह।